जूते से दनादन का ये नजारा इसी साल मार्च का है। चुनावी मौसम में अपने जूते को धार देने वाले नेताजी अब जनसेवा के जोश में जूता मार पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह के मंच से खुलेआम विवादित बयान देने वाले ये माननीय हैं ललितपुर सदर से बीजेपी विधायक राम रतन कुशवाहा। इनकी पहचान जान ली, अब इनका पूरा बयान सुन लीजिए। अभी भी महीने दो महीने में ठीक नहीं होते हैं और अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूं, अपना जूता उतारिए और मारिए। बीजेपी विधायक राम रतन कुशवाहा ने अपने जूता मार ऐलान में बाकायदा मौके पर मौजूद यूपी सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा का नाम लिया, उनकी सरपरस्ती गिनाई, लेकिन वीडियो वायरल होने पर मीडिया ने सवाल किया तो वो अपने ही बयान में घालमेल करते नजर आए। मजबूरी मेरी, मैं चूंकि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं कर सका और मेरे कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, तो मेरे किस मामले में, मैं ये कहता हूँ कि मेरा विधायक रहना बेकार है कि मैं अपने कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। उस भावनाओं बस मुझसे ये शब्द निकला है, इसको कोई अन्यथा ना ले। मेरे स्वभाव से सब वाकिफ है, मैं केवल और केवल सम्मान की भाषा में बात करता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जूता मार पॉलिटिक्स करने वाले पहले नेता नहीं है राम रतन कुशवाहा। दो दिन पहले ही गुजरात का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें अहमदाबाद के नरोदा से बीजेपी विधायक बलराम थवानी सरे रहा एक महिला पर लात घूंसे बरसाते नजर आए थे। नीतू तेजवानी नाम की ये महिला विधायक बलराम थवानी से इलाके की पानी की समस्या का समाधान मांगने गई थी। वीडियो वायरल हुआ तो सक पकाए विधायक जी पीड़िता से राखी बंधवाने पहुंच गए। राखी बंधवाने के पीछे बीजेपी विधायक का इरादा पीड़िता की रक्षा था या कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाने का, ये आप बखूबी समझ रहे होंगे। जूता मार पॉलिटिक्स की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो बिहार के बेतिया से आई है। सीसीटीवी फुटेज में पिट रहा ये युवक बेतिया में एक दवा दुकानदार है और अपने साथियों के साथ उससे मारपीट कर रहा ये युवक बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी का भाई पिनू है। घटना 3 जून की बताई जा रही है। सावन और करीब में आए थे वो पिनू जी दवा मांगने के लिए, तो मैंने बोला दवा भी खत्म है, उन्होंने अंदर घुस कर मुझे मारने लगा, बाहर घर से और दुकान से बाहर ले आकर मुझे मार जाने की धमकी दी। ये आप पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? पुलिस के पास इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो मुझे भाई मना है, पुलिस मेरा हेल्प करे कि नहीं, पर नहीं करे क्योंकि वो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रेणु देवी। वीडियो वायरल होने के बाद भी आरोपी मीनू के खिलाफ सुशासन राज की पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। सवाल ये है कि चुनावी जीत के बाद बीजेपी के छुटभैये नेता और उनके समर्थक दबंगई दिखाने पर क्यों उतारू हैं? क्यों खुलेआम हाथ में जूते लेने का ऐलान किया जा रहा है? संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी के जूता कांड पर उनका टिकट काटकर जनता में जो संदेश दिया गया था, उस भरोसे को चुनावी जीत के बाद बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी सत्ताधारी पार्टी की है। उम्मीद है आला कमान सुन रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।